अक्टूबर 2023 में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा महीना। आपके राशिपति शुक्र लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि यह पूरा महीना आपको लाभ बराबर होता है। परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बनेगी। आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और धर्म संबंधी यात्राएं भी करनी पड़ेगी। आपका धर्म में इस महीने खर्च भी होगा, लग्जरी सुविधाओं में, शान शौकत में और आपके पारिवारिक कार्यों में भी आपका इस महीने धन खर्च होगा, यानी हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर कोई विशेष प्रॉपर्टी लेना चाहते इस महीने तो 15 अक्टूबर के बाद आप कर सकते हैं। इस महीने आपके खर्च स्थान पर बुध आदित्य योग बन रहे हैं, जो कि घर के ही कार्यों में विशेष खर्च होना पड़ सकता है। नेत्र का विशेष ध्यान रखें और पिता से थोड़ा सा बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। शनि पंचम पर है, संतान की उन्नति होगी, लेकिन संतान के प्रति सोचते भी आप ज्यादा रहेंगे। इस महीने केतु के साथ मंगल लग्न पर होने की वजह से पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव या आपसी तालमेल खराब हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपसी तालमेल बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा है। खाने पीने का पूरा परहेज रखें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न करें तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने अगर बाहर जाने का योग बना रहे हैं तो थोड़ी सी रोड़ा आपको पड़ सकती है, लेकिन अपने जन्म स्थान आप जा सकते हैं। जन्म स्थान जाने के अच्छा योग, कहीं बाहर हैं तो बाहर से जन्म स्थान आ सकते हैं, बहुत तो अच्छा योग है। इस महीने पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च हो सकता है। इस महीने बृहस्पति की पांचवी दृष्टि लाभ स्थान पर है, जो कि अगर प्रेम संबंध कहीं चल रहा है तो आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर कि यह महीना आपके हर क्षेत्रों से अच्छा है, उन्नति होगी और मित्रों से आपको लाभ हो सकता है या मित्रों की से सुख अनुभूति हो सकती है और भाइयों की भी इस महीने उन्नति होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है। शत्रु पर अचानक आपको विजय मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने भुजाओं में थोड़ी सी दर्द या चोट चपेटी में संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए आपको ऐसे में अगर धन ज्यादा खर्च होता है तो महालक्ष्मी अष्टसूत्र या लक्ष्मी नारायण हृदय स्रोत का अगर डेली एक पाठ करते हैं और लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार के दिन अनार चढ़ाते हैं और उसका प्रसाद देते हैं तो आपके सारे ऋण बाधा दूर होंगे और सफलता मिलेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम गाड़ी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण।